करके ये जो तीन फंडामेंटल नियम सीखे हमने, फिगर चार है बट है तीन। पहला क्या है कि जब भी कोई डायमीटर में कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा तो ये एक एंगल 90 का होगा, चाहे वो इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म हो, ये ट्रायंगल फॉर्म हो या ये ट्रायंगल हो, हमेशा ये 90 होगा। सेकेंड रूल क्या है कि जब भी इस टाइप का फिगर फॉर्म होगा जहाँ पर कि सेंटर से कोई एंगल बाहर की ओर बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर दो कॉर्ड लग रहा है, तो इस केस में भी ये वाला एंगल इसका डबल होगा, मतलब ये 2x होगा तो x होगा तो ये 2x होगा। और यही फिगर का जस्ट उल्टा फिगर ये वाला है कि ये जो लाइन ऊपर की ओर जा रहा है नीचे की ओर भी आ सकता है ऐसे करके, तो ये नीचे की ओर आ गया, तो सेम चीज़ है कि यहाँ x होगा तो यहाँ 2x होगा। एक और नियम है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के चारों पॉइंट किसी क्वाड्रेंट का सर्कल के ऊपर आ रहा है तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी सी डी है, तो ए प्लस सी बी 180 होगा और बी प्लस डी 180 होगा, एंगल का ये एंगल है। एक और नियम है वो भी देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको मिलाने से सर्कल का सारा मैथ सॉल्व हो जाता है। ये बेस है मेरा और इसमें दो हम लोग ट्राइंगल फॉर्म किए, एक ऐसे और एक ऐसे, इस दोनों एंगल का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, मतलब इसका नाम ए है इसका नाम बी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये है पूरा सर्कल का रूल, अगर रूल मालूम है तो कोई मैथ सॉल्व किया जा सकता है, अगर सारा नियम अच्छे से मालूम है तो। अब ये सारा नियम को लगा करके इसमें से कुछ ही नियम यहाँ अप्लाई होगा इस मैथ में,